नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वर आलय म्यूजिक। बहुत ही सुंदर एक ट्यूटोरियल है, खासकर हारमोनियम बिगनर्स के लिए। जो मेरे ट्यूटोरियल्स जो भी होते हैं वो मैं हारमोनियम बिगनर्स के लिए ही बनाता हूँ। आज बहुत शानदार है, कई लोगों का सवाल है कि सर राग अलंकार सरगम रियाज के बिना क्या हम अच्छे सिंगर बन सकते हैं, ये क्यों ज़रूरी है, क्लासिकल सिंगर और नॉर्मल सिंगर में क्या अंतर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि यदि हमको अच्छा सिंगर बनना है तो हमें क्या क्या सीखना, राग अलंकार और ठाट की क्या भूमिका होती है। दोस्तों आपको पता होगा, एक गायकी बिल्कुल सिंपल गायकी होती है, जैसे कोई लोकगीत हैं, फोक सॉन्ग हैं, वो आपने सुने होंगे। फिर आपने कोई फिल्म सॉन्ग सुना होगा। फिल्म सॉन्ग भी दो तरह के होते हैं, एक तो क्लासिकल होता है, एक बिल्कुल लाइट म्यूजिक होता है। लाइट म्यूजिक होता है, सिंपल होता है सॉन्ग, लेकिन जो क्लासिकल होता है, चाहे बेशक वो फिल्म सॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन उसमें अलाप ताने इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्लासिकल अलग ही दिखता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं, अच्छे वादक बनना चाहते हैं, जो अच्छा वादक होगा तो अच्छा सिंगर भी होगा, जो अच्छा सिंगर होगा वो वादन भी आता होगा, ये तो बराबर है। तो दोस्तों अभी यदि आप चाहते हैं कि मैं रियाज ना करूँ इन चीज़ का, तो देखिए आप क्या कमजोरी रहेगी। यदि आप क्लासिकल का रियाज करते हैं, क्लासिकल मतलब राग और ठाट हमें ये बताते हैं कि इस गीत में, इस ठाट में कौन कौन से स्वर लगे हैं, और ऐसे 10 ठाट हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, जैसे कि भैरव हो गया, भैरवी हो गया, यमन हो गया, आशाबरी हो गया, वगैरह वगैरह, ये 10 ठाट हैं। तो हमें, यदि हम इनको सीख लें तो हमें परेशानी भी तो कुछ नहीं है ना। हम ना सीखें तो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम सीख लें और तुरंत ही सीख सकते हैं, हम कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें यही तो देखना है कि उसमें नोट्स क्या लगते हैं। भैरवी है ठाट, भैरवी सा रे ग म प द नी सा सा नी द प म ग रे सा आ। इसमें हमने रे गा धानी को में लगा दिए तो ठाट भैरवी हो गया है। अगर मैं सा रे ग म प द नी सा सा नी द प म ग रे सा, अब इसमें सारे स्वर मैंने शुद्ध ले लिए तो ये बिलावल हो गया, ठाट बिलावल हो गया। अगर मैं सा रे, देखो आपको, क्योंकि गीतों में कभी कोमल स्वर बजते हैं, कभी शुद्ध स्वर बजते हैं, तो आपको ये तो सब चीज़ें आती हैं, बेस आधार तो इसका राग ही है, ठाट ही है, तो ठाट जानना इसलिए आवश्यक होता। आप कहते हैं ठाट के बिना हम सीख नहीं सकते, अरे बजा तो सकते हैं, लेकिन तरीका होता है। आप ठाट बजाए होंगे, आपने राग बजाए होंगे, तो आपको बजाना इजी होगा, गाना इजी होगा। अब इसी को मैंने सा रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा, अब सभी शुद्ध स्वर हैं, लेकिन माँ अगर मैंने तीव्र ले लिया तो ठाट यमन बन गया। तो हमें ये जानकारी है, अब कोई गीत आपके सामने आएगा उसमें माँ तीव्र लग रहा होगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे ये ठाट यमन पर है, यानी राग यमन पर है, वही राग यमन होता है, वही ठाट यमन होता है, तो इसलिए आपको ज़रूरी है। दूसरी बात ये, गीत कई हैं, गीतों में आपने पुराने गीत लता जी के देखे हुए हैं, सुने होंगे लता जी के, या और भी कोई मन्नाडे जी के गीत सुने होंगे, तो उनमें कितना बढ़िया आलाप गाया जाता है, आलाप के साथ साथ में ताने गाई जाती हैं,
तो यदि आप राग नहीं सीखेंगे, क्लासिकल नहीं सीखेंगे, तो आपको तान गाना, राग गाना ये कहाँ से आ जाएगा? ये सब यदि आपको अलंकृत करना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं अपनी गायकी को, अपने गीत को, अपने गज़ल को, तो आपको ये सब चीज़ें ताने भी पढ़नी पड़ेंगी। आलाप कैसे करने हैं उस गीत के, क्योंकि आलाप भी एक सजावट प्रदान करता है, गीत को सजाता है, सजा के प्रस्तुत करता है, उसी टाइप से तान है। तो दोस्तों ये सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब सवाल ये है कि आपको क्या सीखना चाहिए। तो आप ऐसा करें कि आप 10 के 10 तो ठाट सीख लें। ठाट में कुछ नहीं है, जैसे मैंने बता दिया था ठाट में क्या सुर लगते हैं, बस इतना जानना ज़रूरी है। राग आप सीखें, सबसे पहले राग कल्याण सीखें, इसको राग यमन भी कहते हैं। निरे ग निरे सा निरे ग मा पा, गरे निध निरे सा निरे ग मद नि सा नि द प म ग रे सा। हर राग की एक अपना अलग खूबसूरती होती है। ये तो राग यमन हो गया, तो अब राग यमन बजाना सीखेंगे जो कि बेसिक राग है, उसके बाद राग भैरवी। नी नी स ग म प ग म द नी स रे स ग रे स नी द प म ग रे स म ग सारे साधानी सा। ये राग भैरवी हो गया। भैरवी राग सीखें आप, 10 ठाट सीख लें, फिर राग यमन सीखें अच्छे से, राग भैरवी सीखें, उसके बाद मालकोंस राग सीखें। स ग म ग म ग स स ग म ग म ग स नि स ध नि सा म ग म ग स नि स ध नि सा म ग म ग स ग म द नि सा नि सा नि स ग स नि द म ग म द नि सा नि सा नि स ग स नि द म ग म ग स नि स ध नि सा म ग म ग स। अब आपने ये महसूस किया होगा दोस्तों जो बिगनर्स हैं कि एक राग में कितनी खूबसूरती होती है। राग आप सीख लेंगे तो आप क्लासिकल सिंगर बन जाएंगे और रागों को समझने लगेंगे, वो आपके अंदर वो फील आ जाएगा। आप कोई सिंगर गा रहा है, कौन सा राग पे गा रहा है, तो आप वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये बता सकते हैं ये राग यमन गा रहा है। तो ये राग यमन भी सीख लें आप, राग मालकौन सीख लें, उसके बाद राग से रंजनी स रे ग प द स स द प ग रे ध स दोस्तों राग की एक फील अलग ही होती है। आप राग सीखें, राग से इतना क्या डरना, क्या भयभीत होना है, बहुत ही अच्छा है। आप
आपके काम आएगा, आप अच्छे सिंगर बनेंगे। तो राग सीखें, तो ये राग मैंने आपको बता दिया, ये राग शिवरंजनी बहुत मधुर राग है। स रे ग प द स सा द प ग रे ध स, इसमें बिल्कुल औड़ब जाति का राग है, गा कोमल है। स रे ग प ध स, इसके बाद में राग माल कौन से बता दिया आपको, राग भैरवी भैरव सीख लें। स रे ग म प ध नि स नि द प म ग रे स, ये राग भैरव है जिसमें रे और धा कोमल है और सभी स्वर शुद्ध है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप राग जरूर सीखें, ठाट सीखें, अलंकार सीखें, रियाज करें। अलंकार यदि आप नहीं सीखेंगे तो आप सिंगर कैसे बन जाएंगे, तान कैसे लेंगे। स रे ग म प ध नि ध नि ध म ग रे सा, स रे ग म प ध नि ध नि ध म ग रे सा, तो दोस्तों मेरा यही सलाह है, यही सुझाव है, आप राग सीखें, अलंकार सीखें, ठाट सीखें यदि आपको अच्छा सिंगर बनना। जो जो आपको राग बताए, राग भोपाली भी सीख लें, राग भोपाली स रे ग प द स सा द प ग रे सा, बस इसमें राग शिवरंजनी में कोमल गा था और राग भोपाली में शुद्ध है गा। स रे ग प द स सा द प ग रे सा, इस टाइप से। दोस्तों बस इतना ही है आज के ट्यूटोरियल में, अगले ट्यूटोरियल में आपसे फिर मुलाकात होगी, कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।